केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने जम्मू कश्मीर को लेकर कहा कि धारा 370 की समाप्ति के बाद जम्मू कश्मीर में हालात सुधरे हैं। पंचायत चुनाव अच्छे वातावरण में हुए, जम्मू कश्मीर अब एक नए कल की ओर बढ़ रहा है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद खत्म होगा और वहां शांति सद्भाव की स्थापना होगी। धारा 370 हटाने के बाद माहौल शांत हुआ है, कश्मीर में सौहार्द पूर्ण वातावरण है। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कश्मीर नेताओं के साथ बैठक सफल रही है, सभी कश्मीरी नेताओं ने वहां भाग लिया है। किसान आंदोलन को लेकर तोमर ने कहा कि जब भी किसानों के संगठन का प्रस्ताव आएगा, उनकी समस्या का निराकरण करने और उनकी बात को सुनकर उस पर विचार किया जाएगा। उन्होंने कहा, किसान यूनियन के नेताओं से भारत सरकार 10-11 बार बात कर चुकी है, 50 घंटे से अधिक चर्चा चली है। हमने उनकी परेशानियों के समझने का प्रयत्न किया है। आज भी भारत सरकार पूरा मन रखती है कि जिस प्रावधान पर उन्हें आपत्ति है वे खुले मन से बताएं। मैं समझता हूं कि धारा 370 समाप्ति के बाद जम्मू कश्मीर में पूरी तरह शांति है, सौहार्द का वातावरण है। पंचायत से लेकर जिला पंचायत तक के चुनाव अच्छे वातावरण में संपन्न हो गए हैं। पंचायती राज मंत्रालय केंद्र सरकार ने एक बड़ी राशि पंचायतों के विकास के लिए वहाँ दी है। कृषि के क्षेत्र में और कृषि उत्पादों की मार्केटिंग के क्षेत्र में भारत सरकार बहुत तेज़ी के साथ जम्मू कश्मीर के साथ काम कर रही है और मैं समझता हूँ कि जम्मू कश्मीर अब एक नए कल की ओर बढ़ रहा है। देखिए, दरअसल क्या है, किसानों के मामले में मैं एक बार नहीं कई बार कह चुका हूँ, किसानों से जो यूनियन के नेता हैं उनसे 10-11 बार भारत सरकार बात कर चुकी है, 50 घंटे से अधिक चर्चा चली है। उनकी जो परेशानियां हैं हमने समझने का प्रयत्न किया है और आज भी भारत सरकार पूरा मन रखती है कि किसान जिस प्रावधान पर उन्हें आपत्ति है वो खुले मन से बताएं, हम विचार करने के लिए निराकरण करने के लिए भी तैयार हैं और जब भी किसानों की ओर से प्रस्ताव आएगा तो निश्चित रूप से हम बातचीत के लिए स्वागत करेंगे। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।